सोलन में खराब पड़ी लाइन को दुरुस्त करते हुए लाइनमैन बुरी तरह से झुलस गया, जिसे तुरंत सोलन अस्पताल लाया गया जहां लाइनमैन का उपचार करवाया जा रहा है। यह हादसा उस समय पेश आया जब लाइनमैन फ्यूज बदल रहा था। सोलन में बिजली की लाइन को ठीक करते हुए लाइनमैन बुरी तरह से झुलस गया, जिसे तुरंत बिजली कर्मियों की सहायता से अस्पताल लाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों द्वारा लाइनमैन को फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। गौरतलब है कि जब यह घटना घटी तो जो लाइनमैन बिजली को ठीक कर रहा था उसने सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी दस्ताने या सुरक्षा उपकरण नहीं पहने हुए थे। यही वजह है कि वे इस दुर्घटना का शिकार हुआ। बिजली बोर्ड के अधिकारी विपुल कश्यप ने बताया कि जब लाइनमैन खराब पड़ी लाइन को दुरुस्त कर रहा था तो इस दौरान उसने जब फ्यूज लगाया तो एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से लाइनमैन का हाथ उसमें झुलस गया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जल्द जांच करवाई जाएगी और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि हादसे की असल वजह क्या थी। पुलिस लाइन के पास कथेड़ में हुई है और एक्चुअली कुछ लाइन में फॉल्ट होने की वजह से पहले लाइन की मेंटेनेंस की गई, तो लाइन की मेंटेनेंस करने के बाद जैसे ही सप्लाई ऑन की तो फ्यूज़ कुछ शायद हल्के होने के कारण या उसमें पूरी मेंटेनेंस ना होने के कारण फ्लैश हुई है, जिससे कि लाइनमैन के हाथ में थोड़ा फ्लैश लग गया जिससे थोड़ा सा जल गया है। सबसे पहले तो हम इनको फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो उसके बाद जैसे भी डॉक्टर हमें कहेंगे कि इसमें क्या मेडिकल देना है, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, तो उस हिसाब से हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल जांच की जाएगी जी, इसमें लाइन देखी जाएगी और वहाँ पे जाकर के ट्रांसफार्मर भी देखा जाएगा कि क्या कारण हुआ है फ्लैश लगने का। मेंटेनेंस का प्रोडक्शन का सामान तो दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे भी ये काम करते हैं तो फिर फील्ड से दूसरी जगह में जाना पड़ता है, तो कई बार सामान साथ नहीं भी होता है। तो ये वैसे तो LT का काम था, लेकिन फिर भी इनको सामान तो प्रोवाइड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।